Myself Nazimunisa Begum, Junior Lecturer in Economics, GJC Kachipuram. आज का हमारा टॉपिक सेकेंड यूनिट, ये थर्ड क्लास है हमारी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कौमी सेहत पॉलिसी 2017 और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, मजमूई कौमी खुशी अशारी। देखिए यहाँ पर कौमी सेहत पॉलिसी 2017 यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और दूसरा जो टॉपिक है मजमूई कौमी खुशी अशारी। आज हम ये दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कौमी सेहत पॉलिसी, कौमी सेहत पॉलिसी 2017 को मरकजी काबीना ने मंजूर किया था, जो 2002 में 2002 में इख्तियार की गई साबिका पॉलिसी की जगह लेगा। यानी कौमी सेहत पॉलिसी 2017 को मरकजी काबीना ने मंजूर किया था, जो 2002 में की पॉलिसी की जगह लेगा। कौमी सेहत पॉलिसी 2017 का बुनियादी मकसद है कि सेहत के निजाम को तश्कील देने में हुकूमत के किरदार को तमाम जहतों से आगाह करना, वाजे करना, तफवीत देना और इसे तरजीह देना शामिल है कौमी सेहत पॉलिसी को। ओके, देखिए ये कौमी सेहत पॉलिसी यानी साबिका जितने भी तरक्याती पॉलिसियां हैं उसकी रोकथाम और सेहत की देखभाल की फ्राहमी के रुझान को रोकने और किसी अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की खिदमात तक आलमी सतह पर रसाई हासिल करना, आलमी तौर पर इसको पहुंच हासिल करना है, रसाई हासिल करना है और इसके साथ साथ कौम की यानी फलाह व बहबूद की यानी सेहत के ताल्लुक से फलाह व बहबूद के मकासिद को भी इसमें बताया गया है। यानी इसकी इसको रसाई हासिल करना है जिसके नतीजे में किसी को भी माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी ये पॉलिसी क्या करती है, एक अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की खिदमात तक आलमी सतह पर रसाई हासिल करना है, ये आलमी तौर पर उसको पहुंच हासिल करना है और इसके साथ साथ हर उम्र में यानी लोगों को सेहत की जमानत देते हुए और इसके नतीजे में यानी फलाह व बहबूद के साथ, जिसके नतीजे में इसको कई जो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सेहत के ताल्लुक से, तो उसको आलमी सतह तक पहुंच हासिल करना और जो माली मुश्किलात है उस तक रसाई में इजाफा और सेहत की देखभाल और उसके मियार को बेहतर बनाने और सेहत की देखभाल की फ्राहमी की लागत को कम करने के जरिए हासिल या कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो ये कौमी सेहत पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं कि कौमी सेहत पॉलिसी क्या करती है, किसी यानी अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की फ्राहमी के साथ साथ यानी हर उम्र में लोगों को सेहत और फलाह व बहबूद की आला तरीन सतह के हुसूल के जरिए मकसद के तौर पर तसव्वुर करती है, जिसके नतीजे में माली मुश्किलात, इस तक रसाई में इजाफा, मियार को बेहतर बनाने और सेहत की देखभाल की फ्राहमी की लागत को कम करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। और इसमें कौमी सेहत पॉलिसी के जो मकासिद है उसको देखेंगे हम यहाँ पर। कौमी सेहत पॉलिसी के मकासिद में पहला जो मकसद है इसमें, यानी इस मकसद के तहत सेहत एक अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की खिदमात तक आलमी सतह पर पहुंच हासिल करना है, जिसके नतीजे में किसी को भी माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पहला उसका मकसद है, यानी अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की आला तरीन सतह तक उसको पहुंच हासिल करना है और जिसके नतीजे में किसी को भी माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहला मकसद है इसका। दूसरा है इसके मकासिद में, यानी इसका इरादा है कि सेहत के अखराजात को
आहिस्ता आहिस्ता जीडीपी के 2.5% तक इजाफा करता। यानी शहद पर जो अखराजात हो रहे हैं तो शहद पर अखराजात हो यानी जीडीपी का 2.5% तक जो है तो उसमें इजाफा करना है। और तीसरा जो उसका मकसद है इसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, मुफ्त तशखीस, मुफ्त इमरजेंसी और दीगर जरूरी सेहत की देखभाल की खिदमात की तजवीज पेश की गई। यानी सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाएं फराहम करना, मुफ्त तशखीस करना है और मुफ्त इमरजेंसी की सहूलियात फराहम करना है। उसके साथ साथ सेहत की खिदमात की देखभाल की फराहमी की तजवीज पेश की गई। तो ये तमाम ये कौमी सेहत पॉलिसी के मकासिद में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉलिसी की झलकियां। यानी मकासिद में सबसे पहला मकसद अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की खिदमात की फराहमी में फराहमी को यानी आगे तरीन सतह तक रसाई हासिल करना है जिसके नतीजे में किसी को भी कोई भी माली परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा जो मकासिद है उसमें यानी इसका इरादा है कि सेहत के अखराजात को आहिस्ता आहिस्ता जीडीपी के 2.5% तक इजाफा करना है। थर्ड पॉइंट है इसका, इसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, मुफ्त तशखीस, मुफ्त इमरजेंसी खिदमत और जरूरी सेहत की देखभाल की खिदमत की फराहमी की तजवीज पेश की गई इस कौमी सेहत पॉलिसी 2017 में। यानी ये इसके मकासद। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिसी की झलकियां। कौमी सेहत पॉलिसी 2017 की झलकियां मुंदरजा ज़ैल है। फर्स्ट है यकीन दहानी पर मुबनी नुक्ते नजर। नेक्स्ट है कुर्दोबिन की कमी। थर्ड है मेक इन इंडिया पहल और तीसरा है डिजिटल सेहत की दरख्वास्त। चौथा डिजिटल सेहत की दरख्वास्त। तो ये चार ये पॉलिसी की झलकियां हैं। नेक्स्ट है कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के अहम अहदाफ यानी निशाने। कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के अहम अहदाफ या निशाने की टारगेट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। कौमी सेहत पॉलिसी के जो झलकियां या अहदाफ या निशाने जो है मुंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहले पॉइंट देखिए यहाँ पर हुकूमत के सेहत पर अखराजात। देखिए 2025 तक कौमी सेहत पॉलिसी यानी हुकूमत के अखराजात में 2025 तक सेहत पर हुकूमत के अखराजात को 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना। यानी 2025 तक जीडीपी के सेहत पर अखराजात को बता रहे हैं। तो सेहत पर अखराजात को 2025 तक सेहत पर अखराजात को 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना है। ओके ये इसका टारगेट है, निशाने है। ओके नेक्स्ट है जिंदगी की मुतवक्की उम्र 2025 तक। ओके सेम 2025 तक जिंदगी की मुतवक्की उम्र 67.5 से बढ़ाकर 70 करना। यानी ये पॉलिसी का मकसद यानी उसके निशाने टारगेट्स में है कौमी सेहत पॉलिसी के। ये दूसरा मकसद दूसरा यहाँ पर उसका जो निशाना है जो टारगेट है जिंदगी यानी 2025 तक जिंदगी के मुतवक्के उम्र की शराब 67.5 से बढ़ाकर 70 साल करना। ओके नेक्स्ट है जरखीजी की कुल शराब 2025 तक कौमी और जेली कौमी सतह पर जरखीजी की कुल शराब टोटल फर्टिलिटी रेट को रेट में 2.1% तक कमी करना। 2.1% तक कमी करना यानी जरखीजी की कुल शराब में बता रहे हैं आपको 2025 तक कौमी और जेली कौमी सतह पर जरखीजी की कुल शराब में 2.1% की कमी करना। नेक्स्ट है बच्चों की अंबाद की शराब 2025
19 तक, ओके 2019 तक बच्चों की अमवात की शरह यानी तुफली अमवात की शरह IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को 28 तक कम करना है, 28 से भी घटाना है, इसको कम करना है, 28 तक घटाना है, जो 2016 में तुफली अमवात की शरह 34,000 थी। तो तुफली अमवात की शरह यानी बच्चों की शरह अमवात में 2019 तक 28% कम करना है। इससे पहले 2016 में तुफली अमवात की शरह 34,000 थी। ओके, नेक्स्ट है अंधापन के फैलाव में कमी करना है। देखिए 2025 तक अंधापन के फैलाव में 0.25% में कमी करना, यानी 0.25% से भी इसको कम करना है अंधापन के फैलाव को, और बीमारियों की जो मौजूदा सतह है तो उसको 1/3 तक कम करना है। ये पॉलिसी के निशाने हैं, यानी अंधापन के फैलाव को 0.25% कम करना है और बीमारियों का जो बोझ है उसको उसके मौजूदा सतह से भी 1/3 कम करना है। ये पॉलिसी के निशाने। ओके, नेक्स्ट है सेहत आमा की सहूलियत में इजाफा। सेहत आमा की सहूलियत में इजाफा 2025 तक सेहत आमा की सहूलियत में मौजूदा सतह से 50% तक बढ़ाना, यानी यहाँ पर सेहत आमा की जो सहूलियत है उसमें इजाफा करना है, यानी मौजूदा जो सतह है वो मौजूदा सतह से भी 50% तक उसमें और इजाफा करना है। नेक्स्ट है नौमौलू की 1 साल की उम्र तक महफूज टीके लगाना, यानी 2025 तक नौमौलूद को 90% से ज्यादा 1 साल की उम्र तक महफूज हिफाजती मुकम्मल तौर पर टीके लगाए जाएंगे। ये पॉलिसी का निशाना है, 2017 की पॉलिसी के निशाना। नेक्स्ट है नौमौलूद की 1 साल की उम्र तक के टीके। ओके, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पैदाइश के बाद हुनरमंद हाजिरी, यानी 2025 तक पैदाइश के वक्त हुनरमंद हाजिरी को यकीनी बनाना है, 90% से ज्यादा पैदाइश के वक्त हुनरमंद हाजिरी को यकीनी बनाना। ओके, नेक्स्ट है तंबाकू के इस्तेमाल पर कंट्रोल, यानी 2020 तक तंबाकू के इस्तेमाल की मौजूदा सतह में 15% कमी करना है और 2025 तक 30% इसमें यानी तंबाकू के इस्तेमाल में 30% कमी करना है। नेक्स्ट है साफ सुथरा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2020 तक साफ सुथरा मिशन, यानी स्वच्छ भारत मिशन सबको महफूज साफ सुथरा पानी की फराहमी और साफ सुथराई तक रसाई हासिल करना है, सबको साफ पीने के पानी की फराहमी और साफ सुथराई की रसाई तक हासिल करना है। ओके, नेक्स्ट है सेहत पर रियासत का हिस्सा, यानी देखिए 2020 तक सेहत पर रियासत के हिस्से में 8% से भी ज्यादा इजाफा करना है। तो ये थे देखिए सेहत यानी कौमी सेहत पॉलिसी के 2017 के अहम अहदाफ या निशाने टारगेट से जो मुंदरजा ज़ैल है। तो देखिए मैं फिर से एक बार ब्रीफली यहाँ पर बता दे रही हूँ, कौमी सेहत पॉलिसी को मरकजी काबिना ने 2002 में मंजूर किया था, जो 2002 में अख्तियार की गई साबिका पॉलिसी की जगह कौमी सेहत पॉलिसी लेगी, और ये कौमी सेहत पॉलिसी यानी कौमी से नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या है 2017 का बुनियादी मकसद क्या है, सेहत के निजाम को तश्कील देने में हुकूमत की किरदार को तमाम जहतों से आगाह करना, वाजे करना, तफवीत देना और इसे तरजीह देना शामिल है, और ये पॉलिसी जो तमाम तरक्याती पॉलिसियां हैं उसकी रोकथाम और सेहत की देखभाल के रुझान को रोकने और किसी अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की
खिदमात तक आलमी सतह पर रसाई हासिल करना है। रसाई के जरिए हर उम्र में सबके लिए सेहत और फलाह व बहबूद के आला तरीन सतह के हुसूल के मकसद के तौर पर तसव्वुर करती है, जिसके नतीजे में माली मुश्किलात, इस तक रसाई में इजाफा, मियार को बेहतर बनाने, सेहत की देखभाल की फ्राहमी की लागत को कम करने के जरिए कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये इसका डेफिनेशन था। फिर उसके बाद कौमी सेहत पॉलिसी की झलकियों में यकीन दहानी पर मुबानी नुक्ते नजर, फोटोपेन की कमी, मेक इन इंडिया पहल और डिजिटल सेहत की दरखास्त, ये पॉलिसी की झलकियां हैं। देखिए, ये कौमी सेहत पॉलिसी के जो मकासिद है उसमें सबसे पहला मकसद क्या है, यहाँ पर एक अच्छे मियार की सेहत की देखभाल की आलमी सतह तक रसाई हासिल करना है, जिसके नतीजे में किसी को भी कोई भी माली परेशानी का सामना ना करना पड़े। और किसी सेकेंड पॉइंट है इसका, ये पॉलिसी यानी सेहत के अखराजात को आहिस्ता आहिस्ता जीडीपी के 2.5% तक इजाफा करना चाहती है। और इस पॉलिसी के मकासिद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, मुफ्त तशखीस, मुफ्त इमरजेंसी की खिदमत और जरूरी देखभाल की खिदमत की तजवीज पेश की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर कौमी सेहत पॉलिसी के निशाने, टारगेट्स की, टारगेट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो फर्स्ट पॉइंट है हुकूमत के सेहत 2025 तक हुकूमत के सेहत पर अखराजात को 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना। नेक्स्ट, जिंदगी यानी 2025 तक पैदाइश के वक्त जिंदगी की मुतवक्के उम्र 67.5 से बढ़ाकर 70 साल करना। ओके, नेक्स्ट है जरखीजी की कुल शरह 2025 तक कौमी और जेली कौमी सतह पर जरखीजी की कुल शरह में 2.1% की कमी करना। बच्चों की अमवात की शरह यानी 2019 में बच्चों की तुफली अमवात की शरह को 28% तक कम करना है, यानी 28 से भी कम करना है, जो 2016 में 34,000 थी, IMR 34,000 थी। ओके, नेक्स्ट है अंधापन के फैलाव में कमी, यानी 2025 तक अंधापन के फैलाव में 0.25% तक कम करना और बीमारियों की मौजूदा सतह को 1/3 से भी कम करना। नेक्स्ट है सेहत आमा की सहूलियत में इजाफा 2025 तक सेहत आमा की सहूलियत में मौजूदा सतह से 50% तक इजाफा करना, ये पॉलिसी का निशान। नेक्स्ट है नौमौलूद की 1 साल की उम्र तक महफूज टीका 2025 तक नौमौलूद को 90% से ज्यादा 1 साल की उम्र तक महफूज मुकम्मल तौर पर टीके लगाए जाएंगे। पैदाइश के वक्त हुनरमंद हाजिरी 2025 तक 90% से ज्यादा पैदाइश के वक्त हुनरमंद हाजिरी को यकीनी बनाना है। नेक्स्ट है तंबाकू के इस्तेमाल पर कंट्रोल 2020 तक तंबाकू के इस्तेमाल में 15% कमी करना है और 2025 तक तंबाकू के इस्तेमाल की मौजूदा सतह में 30% से कमी करना। स्वच्छ भारत मिशन, साफ सुथरा मिशन 2020 तक साफ सुथरा मिशन यानी सब तक साफ पीने के पानी की फराहमी और साफ सुथराई तक रसाई हासिल करना। नेक्स्ट है सेहत पर रियासत का हिस्सा 2020 तक सेहत पर रियासत के हिस्से में 8% तक इजाफा करना। ये थे कौमी सेहत पॉलिसी के मकासिद, उसके झलकियां और इसके निशान। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मजमूई कौमी खुशी अशारिया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, मजमूई कौमी खुशी अशारिया। देखिए ये मजमूई कौमी खुशी जो अशारिया है ये माशी तरक्की की पैमाइश का एक तरीका है। मजमूई कौमी अशारिये को भूटान जैसे ममालिक अपनी कौमी अपनी तरक्की की पैमाइश के लिए मजमूई कौमी खुशी अशारिये को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी भूटान जैसे ममालिक मजमूई कौमी अशारिये को अपनी तरक्की की पैमाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तरक्की की पैमाइश का जो मौजूदा तरीक़ेकार है उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। मजमूई कौमी खुशी अशारिये को
भूटान ने अपनी जीडीपी के मुतबादिल के तौर पर मुतबादिल अशारी के तौर पर वजह किया है। मजमू कौमी खुशी अशारी को भूटान ने अपनी जीडीपी के मुतबादिल अशारी के तौर पर वजह किया है क्योंकि माशी तरक्की की पैमाइश की जा सके। देखिए मजमू कौमी खुशी अशारिया एक ऐसी इस्तेलाह है जिसको भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1970 में इसको तश्कील दिया। यानी मजमू कौमी खुशी अशारिया जीएनएच को भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1970 में तश्कील दिया था। इस तस्वीर का मकसद है कि यानी देखिए जिग्मे यानी इस तस्वीर का मतलब है कि पायदार तरक्की को तरक्की के तस्वीरात की तरफ से एक जामे नुक्ते नजर से अपनाना चाहिए और फलाह गैर माशी यानी फलाह व बहबूद के गैर माशी पहलुओं को भी मसावी अहमियत दी जानी चाहिए। देखिए ये जो जिग्मे सिंगे वांगचुक ने यानी ये जो 1970 में ये मजमू कौमी खुशी अशारिये को वजह किया है ताकि जो है तो पायदार तरक्की को माशी तरक्की के नुक्ते नजर से जामे नुक्ते नजर से अपनाना चाहिए और तरक्की के गैर माशी पहलुओं को भी मसावी अहमियत दी जानी चाहिए। यानी ये जीएनएच को यानी भूटान के मरकजी स्टडी सेंटर ने अलकायर फोस्टर तरीके यानी अलकायर फोस्टर तरीके के नाम से मशहूर मजबूत कसीर जहती तरीकेकार का इस्तेमाल करते हुए जीएनएच को तैयार किया। यानी जीएनएच का जो तस्वीर है इसको भूटान के स्टडी मरकज अलकायर फोस्टर तरीके के नाम से मशहूर मजबूत कसी जहते तरीकेकार का इस्तेमाल करते हुए जीएनएच के तस्वीर को यानी जीएनएचआई के इंडेक्स को तैयार किया। मजमू कौमी खुशी अशारिये के तैयार किया। देखिए जीएनएच का तस्वीर अक्सर इसके चार सुतूनों के जरिए बयान किया गया। यानी जीएनएच का ये जो तस्वीर है जीएनएच का जो तस्वीर है इसके चार सुतूनों के जरिए उसको बयान किया गया है। पहला है अच्छी हुक्मरानी, दूसरा है पायदार समाजी व माशी तरक्की, तीसरा है सकाफती तहफुज और माहौलियाती तहफुज ओके। तो ये चार जो है तो इसके तस्वीर हैं। और जीएनएच को बड़े पैमाने पर या वसी पैमाने पर तफहीम पैदा करने और इसके खतरों की जामे तौर पर अकासी करने के लिए इसके चार सुतून को 9 डोमेन्स में दर्जाबंद किया गया। यानी इसके चार सुतूनों को मजीद 9 डोमेन्स में दर्जाबंद किया गया है। ठीक है, तो ये 9 डोमेन्स मुंदरजा ज़ैल है। पहला है यहाँ पर नफसियाती तंदुरुस्ती, यानी जीएनएच के जो तस्वीर है तो इसके जो चार सुतून है चार सुतून को मजीद जो है तो 9 डोमेन्स में दर्जाबंद किया गया है। पहला है नफसियाती तंदुरुस्ती, दूसरा सेहत, तालीम, वक्त का इस्तेमाल, सकाफती तनु और लचक, अच्छी हुक्मरानी, माशिरती ज्यूरेबल, कम्युनिटी वेटालिटी एंड माहौलियाती तनु और लचक और मियारे जिंदगी। ये है इसके 9 डोमिनेंस, जीएनएच के 9 डोमिनेंस में इसको जो दर्जाबंद किया गया है उसको मैं बताई यहाँ पर। अब देखिए यानी ये तमाम डोमिनेंस मसावी तौर पर किए जाते हैं। यानी ये जो है इससे क्या करते हैं लोगों की यानी माशी तरक्की की पैमाइश के लिए यानी इन तमाम पहलुओं को देखा जाता है कि एक इंसान कितना खुश है उसकी पैमाइश करने के लिए भूटान ने ये मजमू कौमी खुशी अशारिये का इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम डोमिनेंस मसावी तौर पर देखे जाते हैं और ज्यादातर मुतगयरात के लिए यानी
चार मुतगैरात के लिए, यानी चार ज्यादातर डोमिनेंस के लिए बता रही हूँ मैं, चार मुतगैरात होते हैं। 33 मुतगैरात में यानी चार मुतगैरात होते हैं, तो इसका जो मतलब ये नॉट डोमिनेंस को फिर बजी 33 अशारिये से तैयार किया गया। तो 33 मुतगैरात में हर एक को 1.5 के जाती इंटरव्यू के जरिए एक या एक से ज्यादा सवालात के जरिए से जांचा जाता है। यानी 33 मुतगैरात में हर एक को 1.5 घंटे की जाती इंटरव्यू के जरिए एक या एक से ज्यादा सवालात के जरिए से इसको जांचा जाता है। और अशारिये के तमाम जवाबात की बुनियाद पर इस बात का तायुन किया जाता है कि इंसान कितना खुश है, और फीसद दिया जाता यानी 33 है कि 33 अशारे है कि इंसान कितना खुश है, 33 है कि इंसान कितना खुश है। तो इसमें देखिए, फिर उसके बाद यानी लोगों को इस तरीके में क्या करता है, लोगों को चार ग्रुप में डिवाइड करता है, चार ग्रुपों में तकसीम करता है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर यहाँ पर चार जो है उसमें सबसे पहले यहाँ पर यानी लोगों का खुशी का फीसद बता रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले है वजनी, 33 अशारे में, जिसका फीसद है 77% to 100%। तो इसका मतलब है कि इंसान डीपली हैप्पी यानी गहरा खुश, यानी इंसान की खुशी की सतह को बता रहे हैं यहाँ पर। अगर 33 अशारे में से 77% to 100% है तो इसका मतलब है कि वो गहरा खुश है, डीपली हैप्पी है। सेकेंड पॉइंट है देखिए, मैं काफी इसका जो परसेंट है 66% to 76%। तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर खुश, एक्सटेंसिवली हैप्पी। एंड थर्ड वन है मैं काफी, ओके, इसका परसेंटेज है 50% to 65%। ये है खुशी से यानी तंगी से खुश है, ओके। और फोर्थ वन है देखिए इसमें 0 to 49%। तो ये क्या है, ना खुश है या अभी तक खुश नहीं है। तो ये है मजमू कौमी खुशी अशारिया। देखिए मजमू कौमी खुशी अशारिया एक ऐसा वाहिद अशारिया है जिसको 9 डोमिनेंस में दर्जाबंद और 33 अशारिये से इसको तैयार किया गया। और ये अल्कायर फोस्टर के तरीके के नाम से, यानी इसको ये इस तरीके को लिया गया है, अल्कायर फोस्टर के तरीके को लिया गया है, जिसमें अल्कायर फोस्टर यानी इस मकसद के लिए इसको ढाल लिया गया है। ये लोगों को चार ग्रुपों में तकसीम करता है कि इंसान कितना खुश है उसको देखने के लिए, यानी इसके जरिए मुल्क की तरक्की की पैमाइश की जाती है। और भूटान जैसे मुमालिक इस मजमू कौमी खुशी अशारे से अपनी माशी तरक्की की पैमाइश कर रहे हैं कि इंसान कितना खुश है। तो पहले इसको यानी इसके चार सुतून होते हैं GNH के, फिर उसके बाद उसको मजीद 9 डोमेन्स में दर्जाबंद किया गया है, फिर उसके बाद में इसको इसके जो अशारे होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो 33 होते हैं। तो देखिए 33 अशारे में यानी यहाँ पर इंसान कितना खुश है उसको यहाँ पर पैमाइश की जाती है। तो इसमें देखिए वजनी 33 अशारे में अगर 77% to 100% है तो इसका मतलब है कि गहरा खुश, ओके। दूसरा है मैं काफी यानी बड़े पैमाने पर खुश, उसका फीसद 66% to 76% है। मैं काफी यानी ये है तंगी से खुश, 50% to 65%। और फोर्थ है 0 to 49%, ये ना खुश है या अभी तक खुश नहीं है। तो ये देखिए हम आज कल हमारे जो टॉपिक में हम पढ़े हैं एक कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के बारे में और मजमू खुशी अशारिये के बारे में पढ़े हैं। तो ये देखिए दो भी आंसर आपको 5-5 marks के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप आपके पर्सनल क्लास के टीचर से, जो भी लेक्चरर्स है उनसे उसको उसके बारे में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ पर ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो मतलब इसको एक दो तीन बार इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ये दो सेकेंड यूनिट में आबादी और इंसानी वसाइल, आबादी और इंसानी वसाइल की तरक्की के बारे में हम यहाँ पर पढ़े हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आबादियती तखय्युर के नजरिए के बारे में पढ़े, ये भी अहम है आपको 10 marks के लिए। और दूसरा
हिंदुस्तान में आबादी में इजाफे के वजूहात और इस पर कंट्रोल के इकदाम के बारे में हम पढ़े हैं, और तीसरा आज का जो हमारा टॉपिक था, कौमी सेहत पॉलिसी और मजमू कौमी खुशी अशारे।